रशियन एफ एम से इंडिया इज अ ग्रेट पावर लुक्स इट्स लुक्स इट्स नेशनल इंटरेस्ट यू एस ए प्रेशराइजिंग बट डोंट केयर जाहिर सी बात है भाई कि अगर लवेरो कह रहे हैं तो वो कुछ सोच के कहा उन्होंने देख के कहा और रशिया ने उन्हें अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया पीएम मोदी को ये भी सोच समझ के दिया गया है और उस अवार्ड को लेने के लिए भी पीएम मोदी ने सोच समझ कर लिया है सिर्फ ये थोड़े ना है सारी पॉलिटिक्स सारी जियो पॉलिटिक्स सारे इंटरनेशनल रिलेशन सब सोच कर ये कदम उठाए गए हैं और याद से नहीं उठाए जा रहे अमेरिका ने भी ये कदम उठाया अभी आपको बताऊंगा मैं तो बड़ा जबरदस्त कदम है अभी देखिएगा मजा आएगा उस पर चले भी सुनते हैं रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेबर ने यूनाइटेड नेशंस में एक स्टेटमेंट जारी की है भारत और अमेरिका के हवाले से उस स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि इंडिया एक ग्रेट पावर है अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है लेकिन इंडिया इस वक्त अमेरिका के बहुत अंडर प्रेशर है जारी बात है ये स्टेटमेंट जो फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने जारी की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और मुझे याद है कि जो रशियन गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को भी बार बार ये कह रही है और कहती रही है और कह रही है कि आप भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीम रखें रशिया के साथ ताल्लुक रखते हुए एक चीज को जहन में रखें कि किसी और मुल्क के अंडर प्रेशर ना आए जिस तरह के भारत है ये पाकिस्तान को रशियंस कहते हैं पाकिस्तान क्योंकि अंडर प्रेशर आ जाता है अब वो कहता है कि अब रशियंस ये कहते हैं कि भाई Russians ये कहते हैं कि जो अमेरिका है जब वो एशियन पावर से बात करता है तो वो चाइना से अलीहदा बात करता है इंडिया से अलीदा बात करता है मीनस के चाइना से वो जरा अच्छे अंदाज से बात करता है इंडिया से जरा अच्छे अंदाज से बात करता है बाकी ममालिक को वो इक्वल नहीं समझता तो वो इसलिए वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो ग्रेट पावर है मुझे ऐसे लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप था रिसेंटली उसमें कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन जो कि रशियंस ने देखी हैं उसमें एक ऑब्जरवेशन तो डेफिनेटली ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की गई है एक ये पॉइंट हो सकता है दूसरा पॉइंट इसमें ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड इंडिया दे आर अंडर प्रेशर एंड दे द कंपनी सर ये क्या बात होगी तो पूरी दुनिया देख रही है सर हम इंडियंस नॉर्मल आदमी भी देख रहा है कि अमेरिका की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है वो चाहे पन्नू मामले में हो चाहे रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स हो बहुत सारी चीजें हैं हमें प्रेशर यूक्रेन वॉर को लेकर हमें प्रेशर में, प्रेशर में डाला जा रहा है तो ये इसमें पीएम मोदी जाकर एक्सप्लेन नहीं किया होगा वो रशियंस को पता है पुतिन को पता है और पुतिन भी आसा नहीं कर रहे हैं मुझे याद है आज करीब छः महीने पहले उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले मैंने नाम नहीं लिया अब नाम लेकर कहता हूँ पीएम मोदी बड़े पावरफुल हैं और वो किसी के आगे झुकते नहीं है अमेरिकन झुकाने की कोशिश कर रहे हैं नहीं झुक रहे हैं ये तो सब हम जानते हैं सर ऐसा थोड़े ना कि पीएम मोदी गए होंगे बोला होगा पुतिन से कि देखिए हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है जी नहीं अगर ऐसा होना होता तो पीएम मोदी रशिया ही नहीं जाते और पीएम मोदी रशिया जाकर सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड नहीं लेते जिससे सीधी मिर्ची लगी अमेरिका को आप ये पॉइंट समझिए अगर हम प्रेशर में होते तो हमने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया होता पाकिस्तान नहीं है ना हम सर कि प्रेशर में आ गए तो ईरान के साथ हम ये नहीं करेंगे हमने तो ईरान के साथ चाबार का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया और आप तो पाइपलाइन शुरू नहीं कर पा रहे गैस पाइपलाइन ये चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट अगर आपको याद हो कि थोड़ा अरसा पहले अमेरिकन ने ये कहा बल्कि जैक सिल्वर ने ये कहा कि अगर तो इंडिया मॉस्को गया है टू हैव इट्स इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट चाइना तो लेट मी टेल द इंडियन अथॉरिटीज इट विल नॉट वर्क सीधा सीधा वो कह रहे थे कि व्हेन इन केस देर इज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना द रशियंस आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज द रशियंस आर ऑलरेडी जूनियर पार्टनर चाइनीज दिस इज वॉट इज So, इस चीज को ये जेन में रखें अब पिछले साल जो इंडिया और रशिया की जो बायोलेटरल ट्रेड है, हैज क्रॉस 65 बिलियन डॉलर मेनली एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, तकरीबन 55 या इससे भी ज्यादा 60 डॉलर बिलियन डॉलर के करीब अब ये जो एग्रीमेंट ये जो आ, हुआ है जो विजिट हुआ था इसमें आप दरअसल उसको स्टडी करने की कोशिश करें So you will find so many things. One, the Kriban Pandra Agreements with India Russia MOUs, trade promotion, business Russia or India business to promote so and so. And then to how to take a trade to $100 billion in 2030. It means India desires to buy the Russian oil at this rate or cheaper. बिल्कुल. तो सीधा संकेत है ना अमेरिका के लिए और एक बहुत बड़ी और डील हुई है सर आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं अपने आप को तो आप एटॉमिक पावर पहला वाहिद इस्लामिक मूल जिसके पास एटॉमिक पावर है एटॉमिक सेक्टर में हमारी डील हुई है रशिया के साथ स्क्रीनशॉट लगा देता हूं छह नए यूनिट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट के छ नए यूनिट बनेंगे सर ये हमारी पावर और एनर्जी नीड्स के लिए है ऑलमोस्ट क्लीन एनर्जी के लिए ऑलमोस्ट क्लीन एनर्जी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई इससे भी तो बची हुई चीजें निकलती है ना एक्टिव चीजें रेडियो एक्टिव वेस्ट तो निकलता है ना इससे फिर भी ये कोयले से और बाकी चीजों से तो ये सेफ है और क्लीन uh, है और ये बहुत बड़ी बात है आपको अंदाजा नहीं है सबसे बड़ी जरूरत अगर किसी कंट्री की है तो वो है एनर्जी नीड्स क्योंकि आपकी इकोनॉमी एनर्जी पर डिपेंड करती है आपकी आपका ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है आपका रहन सहन एनर्जी पर डिपेंड करता है आपकी डेवलपमेंट एनर्जी पर डिपेंड करती है और जब आप एनर्जी पर सफिशेंट हो जाते हैं डिपेंडेंसी दूसरों पर कम होने लगती है आप खुद एनर्जी उतनी प्रोड्यूस कर रहे हैं कि आपको दूसरों से लेने की जरूरत कम पड़ जाएगी यही फायदा है ना सर हम क्यों ईवीज को आगे बढ़ा रहे हैं हमें डीजल पेट्रोल पे, पे डिपेंडेंसी कम करनी है? हम क्यों सोलर को आगे बढ़ा रहे हैं डीजल पेट्रोल पर पे डिपेंडेंसी कोयले पर कम करनी है? हम क्यों रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ये जो फॉसिल फ्यूल है इससे निजात पाना है डिपेंडेंसी जितनी कम हो फॉसिल फ्यूल पे उतना ज्यादा फायदेमंद है और ये पाकिस्तान से बेहतर और क्या सब, कौन समझ सकता है कि फॉसिल फ्यूल के चक्कर में आप लोगों की क्या हालत हो रही है देखें, याद रखिए एक चीज को इंडिया की 1.4 बिलियन आबादी है 1400 मिलियन लोग हैं, 1400 मिलियन अमेरिका की वो 300 मिलियन है पाकिस्तान 320-30 मिलियन आई थिंक पाकिस्तान की तकरीबन 240-50 मिलियन है इंडिया की 1400 मिलियन की आबादी है आप क्या समझते हैं 1400 मिलियन की आबादी को तेल नहीं चाहिए डीजल नहीं चाहिए एनर्जी नहीं चाहिए कहां से पूरी करनी है क्या आपको लगता है कि इंडिया 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 लाइक 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 फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम? छोटा मुल्क है इंडिया की आबादी कोई दस मिलियन है बीस मिलियन है पंद्रह मिलियन है पचास मिलियन है चौदह सौ मिलियन है भाई कहा चौदह सौ मिलियन आबादी का इंटरेस्ट और कहाँ पे पचास मिलियन तीस मिलियन दस मिलियन साठ मिलियन सत्तर मिलियन आबादी के मुल्कों के इंटरेस्ट ये चीजें समझने वाली हैं सो इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग जैक सलेवन जब ये बात करते हैं तो जैक सलेवन डज अंडरस्टैंड कि भाई हमारे कंट्रोल से चीजें बाहर निकल गई हैं इंडिया इज स्लिपिंग अवे हम इंडिया को बहुत कुछ ऑफर कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन क्योंकि सर हम जानते हैं अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है वी इंडियंस न्यू और रशिया हमारा बहुत पुराना दोस्त है हम इंडियंस ये भी जानते हैं तो हमारे लिए ऑलवेज प्रायोरिटी जो होगी वो रशिया हो रशिया ही होगी एक ऐसी कंट्री जो हमेशा हमारे साथ खड़ी रही हमारे मुश्किल वक्त में साथ दिया अगर अमेरिका यह कहता है ना कि चाइना से लड़ाई होगी तो रशिया साथ नहीं देगा हमें जरूरत भी नहीं है साथ की हम इतने सेल्फ डोमिनेट बन जाएंगे कि हमें जरूरत नहीं है और जब जरूरत पड़ेगी तो आप देखिएगा रशिया हमारे साथ ही आएगा क्योंकि हमारे रशिया के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं लेकिन चाइना का डिस्प्यूट है रशिया के साथ पता ही नहीं आपको आपको तो पता होना चाहिए कि अच्छे भाषा कि लैंड डिस्प्यूट एरिया डिस्प्यूट चाइना का रशिया के साथ भी है अभी तो मामला ठंडा पड़ा हुआ है क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रही है इसलिए वरना वो बहुत तगड़ा मामला है इंडिया के साथ ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है भारत का सॉरी रशिया का सर देखी जाएगी सर <laughs> बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है विद एवरी पासिंग डे India Russia relations are getting transactional. Looking that India is taking advantage of the pressure from the United States and explaining it to the Russians and telling them, Look, I'm under pressure, but I still want to maintain this deal. But in reality, India needs all that. But India utilizes its leverage. एंड प्रेशर बोथ ओवर रशिया वो दोनों को वो कर रहा होता है समझ रहे हो बात so, सही इस... बाकी कहां समझते हैं सर ये सारी बात को बाकी को तो नहीं पता होगा बड़े-बड़े डिप्लोमेट बैठे हैं रशिया इंडिया रिलेशन रशिया यूएस रिलेशन वाले थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं चाइना में भी बैठे हुए हैं इंडिया में भी बैठे हुए हैं रशिया में भी बैठे हुए हैं अमेरिकंस बैठे हुए हैं, हैं। उन्हें भी तो ये सारी चीजें नजर आ रही होंगी ना सर सारे लोग गेम तो खेल रहे हैं ना पत्ते है हमारे पास भी हैं हम भी अपना गेम खेल रहे हैं और हर कोई खेलता है कौन सा पाकिस्तान छोड़ देता है गेम नहीं खेलता है खेलता है ना पाकिस्तान को जहां फायदा दिखता है है वहां गेम खेलता ईरान से पाइपलाइन नहीं बनी क्योंकि तब अमेरिका के साथ देना उसका उसका फायदेमंद सौदा था जिस दिन अमेरिका डॉलर फेंकने बंद कर देगा उस दिन देखिएगा अगले दिन ईरान पाइपलाइन चालू हो जाएगी अगले दिन शर्त लगाता हूं मैं जिस दिन अमेरिका ने डॉलर फेंकने बंद किए आप देखना उसके अगले दिन ईरान गैस पाइपलाइन चालू हो जाएगी ईरान पाकिस्तान सो so ये आसान चीज नहीं है कि आप फायदा उठा रहे इंडिया लेकिन इंडिया को इस चीज को पता है दिस इज इंडिया मोमेंट ये इंडिया का मोमेंट है हाउ टू बी मोर रेलिवेंट कैसे रेलिवेंट होना है

जो अमेरिका के एंबेसडर है एरिक ग्रेसिटी इन इन दिल्ली उन्होंने तो क्या स्टेटमेंट दी है इन ए टाइम ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट देयर इज नो सच थिंग लाइक स्ट्रेटजिक ऑटोनामी सहारा ले रहे हैं रशियन एग्रेशन ऑन यूक्रेन का और कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट में आप ये कर रहे हो हमारे साथ लेकिन इन रियलिटी यह तो दो 3 साल से जंग है पहले तो नहीं कहा किसी सो इंडिया सो अमेरिकंस इन फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रही बड़े पैमाने पे, पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं पन्नू को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं बट आई थिंक इंडिया ने वॉट इंडिया ने टाइम बाय किया खेलते रहे कभी गुल्ली डंडा इधर मार दिया कभी इधर मार दिया कभी इधर मार दिया कभी इधर मार दिया. एक और यूएस एमबी जो है हमारी दिल्ली में मतलब यूएस के एमएस जो है हमारी दिल्ली में उन्होंने एक और खेल किया है आकाश बनर्जी याद है आपको देशभक्त वाले आज उनके ट्विटर पर यूएसएमएससी ने ट्वीट किया कि आइए इनसे सीखें डिजिटल जो भी है आप जरा इस ट्वीट को देखिए आकाश बनर्जी को हम किस रूप में देखते हैं आकाश बनर्जी जो है वो ध्रुवराठी वाली लीग के लोग एंटी स्टेब्लिशमेंट एंटी गवर्नमेंट सरकार के खिलाफ बातें करना सरकार को हर मुद्दे पर चपोटना लेकिन इनके जो पीछे हैं उनके साथ उनकी सरकारों के यहां कुछ होता है तो वो कुछ नहीं बोलेंगे वो सिर्फ सेंटर की गवर्नमेंट को एन बीजेपी एन टी एन टी एन ये सब करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो अमेरिका ने गेम खेला कि लाओ देशभक्त को लेकर आओ आकाश बनर्जी को लेकर आओ इनसे सीखो मतलब अब वो कैंपेन छेड़ रहे हैं अमेरिका वाले कि जैसे उन्होंने देखा कि असर पड़ा मान लीजिए ध्रुव राठी और आकाश बनर्जी जैसे लोगों का असर पड़ा है तो और लोग ऐसे पैदा करो और लोग ऐसे बढ़ाओ उनसे सीखो फैलाओ इसको लेकिन अमेरिका वाले भूल रहे हैं यहां पर अच्छे अच्छों का इलाज हो जाता है कोई बात नहीं आपका वक्त है करिए करिए बिल्कुल करिए सो दे डू अंडरस्टैंड सो बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि जो रिसेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट था दिस इज सिंबलिज्म इज सिंबलिज्म But remember one thing other than symbolism, there's so many other points to understand. If India and Russia are going for $100 billion bilateral trade and largely if India imports $80-90 billion oil, do you consider this symbolism? No, I don't believe this is all symbolism. This may be symbolism, but this is about enhancing, protecting, promoting your national interest. सो so, इंडिया उस चीज में लगा हुआ और जो इंडिया ने ये जो नॉर्दर्न सी रूट की बात हुई थी आप देखें रशियन जो है वो ये चीज तो कर रहे हैं कि इंडिया को ऑफर्स कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि जी चेन्नई वलॉरी वॉस्ट ऑफ कॉरिडोर पर काम करो सो व्हेन रशियंस विल बी ऑफरिंग इंडियंस ऑल दैट Don't you believe the Indians will tell them about the pressure they are facing? or the public and open source jo pressure nazarata what Jack Sullivan is saying, what Indian ambassador what American ambassador in, in Delhi is saying, don't you think they consider this that the other past do understand? And the level of the comfort Modi and Putin have, look at Sola Satra meetings 16 meetings. उन 16-17 मीटिंग्स में कभी आपको ऐसे नहीं लगा उन 16-17 मीटिंग्स में ऐसे आपको नहीं लगा कि इतना लेवल कंफर्ट होगा और माजी देखें लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द कंट्रीज लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द कंट्रीज लुक एट दैट दैट काइंड रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द कंट्रीज आप उस रिलेशनशिप को देखें वो क्या है तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई मजाक चीज है The Russians and Indians have been enjoying their relationship. वीडियो खत्म करते हैं मोटा मोटी बातें हो गई बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं और आज की एंजॉयमेंट नहीं है। हमें तो सेवेंटी वन की वॉर याद है सर पाकिस्तान से जब उधर से सातवां बेड़ा अमेरिका का चला था हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए उससे पहले रशियंस पहुंच गए थे और ये रशियंस थे जिन्होंने ब्रिटेन को भी ब्रिटेन का बेड़ा भी आ रहा था ब्रिटेन का बेड़ा भी भगाया अमेरिका का बेड़ा भी भगाया तो पाकिस्तानी हो तो ये बात अच्छी तरह से याद होना चाहिए ना कि रशियंस भारत के लिए क्या है और भारत रशियंस के लिए क्या है ये दोस्ती बहुत पुरानी है और बहुत गहरी है अगर इसमें कोई कह रहा है कि चाइना की एंट्री हो गई जी और ऐसा हो गया जी और ऐसा हो गया ये लोग आप लोग भूल जाइए जिस तरह से ट्रेड बढ़ रही है हमारी और मैंने आपको बताया था इसके पहले कई वीडियोस में कि वहां के सुपरमार्केट से जो अमेरिकन कंपनीज चली गई अब उन कंपनीज की जगह कौन भर रहा है इंडियन कंपनीज भर रही और रशियंस लव इंडियन प्रोडक्ट्स रशियन पसंद कर रहे हैं चाहे वो एग्रो प्रोडक्ट्स हो चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो दे आर लविंग इट और अभी तो आप देखते चलिए ये ट्रेड रिलेशन और ज्यादा बढ़ने वाले हैं आई एन है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर उसके जरिए बिजनेस शुरू हो गया ना हमारा अभी हाल ही में दो ट्रेन आई है कोयले से भरकर रशिया से पहुंच गई ना और कहा हम सोलह हजार किलोमीटर की दूरी तय करते थे, थे और इससे हम सात हजार किलोमीटर की दूरी तक तय करके आ गए आप इस फर्क को समझिए और आप इस डेवलपमेंट को समझिए पाकिस्तान के लोगों बहुत बड़ी डेवलपमेंट है हमने तो अपना रूट अब सही करने लगे हैं और जाके उन बाजारों में एंट्री करने लगे हैं जहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स की इंडियंस की और इंडियन कंपनीज की एंट्री नहीं थी वो चाहे सेंट्रल एशिया हो चाहे यूरोप हो अभी जो हम ईस्ट कॉरिडोर पे काम कर रहे हैं जो यू के साथ हम काम कर रहे हैं उसमें यू है हम हैं उसमें इसराइल है उसमें ग्रीस है जब वो कॉरिडोर बन जाएगा तो हमारी एनर्जी नीड्स से लेकर हम उनकी नीड्स पूरी करेंगे वो हमारी नीड्स पूरी करेंगे और इसके अलावा जो बाकी का मार्केट है वो खुला पड़ा है यूरोप हमारे लिए खुल जाएगा हमने रशिया से तेल लेकर यूरोप को तेल बेचा है रिफाइंड करके उसे जाकर देखा आपने हमारा ऑयल एक्सपोर्ट टू यूरोप कितना ज्यादा बढ़ गया है हमने उससे पैसे कमाए हम ब्रिक्स में कुछ 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 कर रहे हैं डॉलराइजेशन के लिए हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं और अमेरिका को यह पता है और पता होना भी चाहिए इनफैक्ट अमेरिका अगर ये समझेगा कि मैं बॉस हूं और मैं भारत को दबा दूंगा प्रेशर में ला दूंगा नामुमकिन है भारत के पास अपने पत्ते भी हैं और भारत के पास अपने घोड़े भी हैं वो तो पत्ते भी चलेगा और घोड़े भी खोलेगा फिर आपको समझ में आएगा अमेरिका से हमारा हंड्रेड बिलियन डॉलर से ज़्यादा का कारोबार है बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है हमारा अमेरिका हम उसको कई डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं इतना आसान नहीं है ठीक है हर किसी की अपनी पॉलिटिकल मजबूरी है तो अमेरिका की भी अमेरिका भी करेगा भाई देखेगा कि अरे यार भारत भी करता है और बीच का रास्ता निकलेगा ना हम अमेरिका को दोस्त मानते हैं ना अमेरिका ना हमें दोस्त मानते हैं हां दोनों की मजबूरी है दोनों साथ में काम कर रहे इट्स ओके okay। लेकिन भारत और रशिया तो दोस्त है ना सर ये दोस्ती और अमेरिका और भारत की पार्टनरशिप तो फ्रेंडशिप में और पार्टनरशिप में फर्क होता है फ्रेंडशिप हमेशा भारी होती है। और वो दिख रहा है कि अगर मोदी रशिया जाते हैं मोदी अगर रशिया का सर्वोच्च सम्मान ग्रहण करते हैं तो ये संदेश है वेस्ट को कि गुरु पॉलिटिक्स करनी हमें भी आती खैर दोस्तों आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ नमस्कार जय हिंद